हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करम विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 विषय गणित की। देखिए एक्सरसाइज 4, कक्षा 10 में एक्सरसाइज 4 है रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म व असमीकरण। ये एक्सरसाइज है आपके, चलिए समझते हैं इनको, रैखिक समीकरण युग्म और असमीकरणों को। देखिए बच्चों, यदि किसी समीकरण में केवल एक चर हो और उस चर की अधिकतम घात भी केवल एक ही हो तो उसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। ऐसे यदि किसी समीकरण में एक ही चर हो इस प्रकार का, ठीक है, ये चर केवल x है, यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा ये चर है, ओके, चर की अधिकतम घात कितनी है, कितनी है, घात बराबर भी एक है इसकी, तो ये समीकरण क्या है, ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये जो है समीकरण का सबसे सरल रूप है, सरलतम रूप है, क्या है, समीकरण लिखने का या बहुपद लिखने का सरलतम रूप है जिसमें केवल एक चर हो और चर की अधिकतम घात भी एक ही, ठीक है। अच्छा, तो चर समझ में आ गया आपको, ये समीकरण हुआ, इसका व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, यदि मैं ए बराबर जीरो रख दूँ तो समीकरण बचेगा बी बराबर एक्स, बी बराबर जीरो, ए का मान मैं जीरो रख लेता हूँ तो b बराबर जीरो बचेगा, यह कोई समीकरण नहीं बना, ये कोई समीकरण नहीं है, ये कोई समीकरण नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी है कि a का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि a इज नॉट इक्वल टू जीरो तो उस स्थिति में, यदि a का मान जीरो नहीं है तो उस स्थिति में इसको सरल करूँ मैं तो ए एक्स बराबर, ये b उधर चला जाएगा, x बराबर माइनस बी बटे, एक्स का मान कितना आता है बच्चों, माइनस बी बटे ए आता है, यह समीकरण का हल कहलाता है, क्या कहलाता है, हल कहलाता है, ठीक है। किसी भी एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल माइनस बी बटे ए से करके ज्ञात कर सकते हैं, जहां ए क्या है, एक्स का गुणांक, जहां पे ए एक्स का गुणांक, बी अचर राशि, बी क्या है, कोई भी राशि होगी जो अचर राशि है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एक संख्या ली 3x प्लस 2 बराबर 0, देख रहे हो ये इसके जैसा है, x की अधिकतम घात 1 और एक ही चर है तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू याद करता हूँ तो 3x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 बटे 3 आया, ये क्या होगा, इस समीकरण का हल, माइनस 2 बटे 3 इस समीकरण का हल कहलाएगा। हल वो मान होता है, किसी भी समीकरण का हल वह मान होता है जिस पे पूरी समीकरण की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिससे पूरे समीकरण का मान जीरो के बराबर हो जाता है। चेक करिए क्या ये हल हुआ, 3x प्लस 2, इसमें मैं x का मान जो कि यहाँ पे आपने प्राप्त किया माइनस 2 बटे 3 रख के देखता हूँ, रखो 3 गुणा माइनस का 2 बटे 3 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0 हो गया, पूरा समीकरण का मान 0, इसलिए ये इसका हल कहलाता है। और उसको ज्ञात करने का तरीका ऐसे पक्षांतर से आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको सबसे सरलतम रूप समझाया जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात मैंने की। लेकिन हमारी एक्सरसाइज इस पर आधारित नहीं है, हमारी एक्सरसाइज आधारित है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर, जिसमें आपको दो चर दिए जाएंगे, जिसमें आपको
दो चर दिए गए होंगे, एक x की फॉर्म में, दूसरा y की फॉर्म में, एक x की फॉर्म में, दूसरा y की फॉर्म में। तो देखो, मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। कितने चर हैं इसमें? ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, है ना, ये चर। और ए बी सी क्या है? ए कोमा बी कोमा सी कोई वास्तविक संख्याएं होंगी, कोई भी संख्याएं हैं जो वास्तविक हैं, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा जी, इस समीकरण में ये ज़रूरी होना चाहिए कि ए का मान भी जीरो के बराबर ना हो और बी का मान भी जीरो के बराबर ना हो। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई लोग कि ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कोमा बी जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर सोचो कि आप कहो कि सर इसका मान जीरो कर दे तो क्या होगा? देखो, यदि मैं ए का मान जीरो रख लेता हूँ और बी का मान जीरो नहीं है, ठीक है, ए को जीरो कर देता हूँ, बी जीरो नहीं है, तो समीकरण का रूप देखो क्या आएगा, ये पूरा जीरो आपके पास बचेगा, बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ऐसा समीकरण बना। क्या ये दो घात वाला, क्या ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है? इसमें तो एक ही चर है, रैखिक समीकरण तो है लेकिन इसमें दो चर नहीं है, इसमें केवल एक ही चर है वाई, इसलिए इसको हम ये नाम कह सकते हैं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए बोला कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा केस ऐसे मानो कि भाई ए को मैं जीरो नहीं करता हूँ और बी को जीरो कर देता हूँ तो क्या होगा? तो समीकरण बन जाएगी ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इस स्थिति में भी आपके पास समीकरण में एक ही चर आ रहा है तो भी इसको हम रैखिक समीकरण तो बोलेंगे, लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, दो चर वाला नहीं हुआ। तीसरी स्थिति आप बोलो कि भाई ऐसे लिखते, ए का मान भी जीरो के बराबर, बी का मान भी जीरो के बराबर, तो समीकरण बचेगी सी बराबर जीरो। ये तो कैसा भी समीकरण नहीं बना, ना ये एक चर वाला समीकरण बना, ना ये द्विचर दो चर वाला रैखिक समीकरण बना। तो समझ गए बच्चों, ये स्थिति बहुत ही ज़रूरी है कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए और बी का मान भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमने व्यापक रूप लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अच्छा, इस समीकरण के जो हल होंगे वो हल आपको चरों के रूप में प्राप्त होंगे, या तो x के रूप में या y के रूप में, ठीक है ना। इसमें आपको दो हल प्राप्त होंगे, x और y दोनों एक साथ प्राप्त होंगे, युग्म के रूप में, पेयर के रूप में। तो x कोमा y का युग्म, x कोमा y का युग्म समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल कहलाता है, ठीक है। आपको दो ऐसे मान प्राप्त होंगे x और y के, जिन पे इस पूरी समीकरण की वैल्यू जीरो हो जाए, जिन दोनों मानों पे एक साथ, अकेले एक पे नहीं, x और y के दोनों मान एक साथ रखोगे तो पूरी समीकरण का मान जीरो के बराबर हो जाता है। इसलिए उस स्थिति में x और y को इस समीकरण का युग्म कहते हैं, युग्म हल कहते हैं, युग्म हल कहते हैं। अच्छा, समझ आया आपको? ये तो थी एक समीकरण की बात, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण की। अगर आप दो चर वाले रैखिक सब दो समीकरणों के एक साथ लिखते हो, यदि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, एक समीकरण तो मैंने ऐसे लिख दी, दूसरे समीकरण को मैं लिखता हूँ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। इसमें ए वन कोमा बी वन नॉट इक्वल टू जीरो और इसमें ए टू कोमा बी टू नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए, ठीक। ये दो समीकरण हैं, दोनों ही रैखिक समीकरण हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को एक साथ बोलते हैं युगपत समीकरण, युगपत समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों इनका नाम क्या देंगे इसको? युगपत समीकरण। क्या नाम देंगे इसको? युगपत समीकरण, या दूसरा नाम इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, ऐसे बोले। अगर आपको दो चर वाले दो समीकरण एक साथ लिखे हुए हों, दिए गए हों, तो उस स्थिति में आप उनको दो तरह से बुला सकते हो, एक तो युगपत समीकरण बोल सकते हो, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हो। और इन समीकरणों के जो हल होंगे x और y, वो इसके
एक्स वाई का युग्म समीकरण के हल कहलाएंगे, जिन पे इस पूरी समीकरण का मान भी जीरो हो सकता है होगा और इस समीकरण का मान भी जीरो होगा, इसलिए इसके हल कहलाएंगे। समझ आया आपको? ओके। अब मैं इसके युग्मों की हल, रेखा युग्म के समीकरणों के हलों की बात कर लेता हूँ। हल की बात करें तो देखिए, आप इन दोनों समीकरण का सॉल्यूशन करोगे, हल ज्ञात करोगे, तो हल आपको तीन प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। हल आपको तीन प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मेन रूप से हल दो प्रकार के होंगे, हल के प्रकार दो प्रकार के हल होंगे। एक तो बोलेंगे हम संगत हल, संगत हल, और दूसरे प्रकार को मैं नाम दूंगा असंगत हल, असंगत हल, ठीक है। हलों को हम इन दो नामों से पुकार सकते हैं, संगत हल और असंगत हल, संगत हल और असंगत हल। ये कब कब प्राप्त होंगे उसके लिए मैं स्थितियां लिख रहा हूँ। हमारे पास दो समीकरण हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर जीरो, युग्मत रूप में समीकरणें लिखी हुई हैं आपके पास, ठीक है। ये दो रैखिक समीकरण युग्म हैं। अच्छा जी, यदि ए वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू, यदि ए वन बटे ए टू के ये कंडीशन मस्ट हैं, इनको लिख लेना, नोट कर लेना कॉपी में, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो। यदि ए वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू है, तो ये जो दो समीकरण हमने देखा लिखी हुई है, इनका हल अद्वितीय व, तो हल अद्वितीय व संगत युग्म होंगे, तो हल अद्वितीय व संगत युग्म होते हैं। मतलब समझे कि इस समीकरण के गुणांकों के बीच में अगर संबंध ऐसे आया कि a1 वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल टू ए बी वन बटे बी टू, तो हल अद्वितीय होंगे, हल अद्वितीय होंगे और हल युग्म संगत होगा। कैसा होगा? संगत, हल अद्वितीय व संगत होंगे, ठीक है। तो संगत के लिए एक कंडीशन तो ये पता चल गई। दूसरी कंडीशन यदि ए वन बटे ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बटे बी टू इज इक्वल्स टू सी वन बटे सी टू, यदि ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू गुणांकों का मान बराबर आ जाता है, तो हल बहुत सारे हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, अनेक हल व संगत होंगे, अनेक हल व संगत हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये संगत हल प्राप्त करने की दो स्थितियां थी, याद हो गया बच्चों? यदि ए वन बटे ए टू या तो बी वन बटे बी टू के बराबर ही नहीं है, या फिर ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू सी वन बटे सी सारे बराबर हैं, तो इस स्थिति में हल युग्म संगत होते हैं। और कैसे कैसे होंगे इसमें? तो केवल अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, केवल दो ही हल होंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं होंगे। और इस स्थिति में बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, ठीक है। अच्छा, असंगत हल के लिए देखिए, एक ही कंडीशन है, यदि ए वन बटे ए टू का मान बराबर है बी वन बटे बी टू के और बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू के, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा व असंगत हल युग्म प्राप्त होगा, असंगत हल, तो इसको क्या बोलेंगे? असंगत। यानी कि इसका हल कोई भी हल नहीं होगा। और युग्म कैसा होगा? ये युग्म, ये जो समीकरणों का युग्म आपने देखा, तो इसको हल का युग्म तो बनेगा नहीं, तो समीकरण युग्म असंगत होगा, युग्म असंगत होगा। और इसमें युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। इसमें भी कैसा होगा? संगत युग्म प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। कंडीशन समझ में आई बच्चों? देखिए, बहुत ही जरूरी पार्ट मैंने बताया है आपको एक्सरसाइज के लिए, कि यदि दो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं जिनके गुणांक a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हैं,
तो यदि उनके गुणांकों के बीच में संबंध a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ रहा है तो हल अद्वितीय होंगे और समीकरण युग्म संगत होंगे। यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर आ रहे हैं तो हल अनेक हल होंगे, असीमित हल होंगे, बहुत सारे अनंत हल होंगे और समीकरण युग्म संगत होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे c2 के और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 आ रहा है तो हल युग्म असंगत और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म असंगत होंगे। समझ में आ गई बात? नोट कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ मैं कि इस स्थिति में जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, उस स्थिति में ये दोनों समीकरणों की रेखाएं खींचेंगी। इस समीकरण की एक रेखा खींची जा सकती है, आलेख के विद्या में आप पढ़ोगे, इसका एक आलेख बनेगा, इसका भी एक आलेख यानी कि ग्राफ खींचेगा, वो दोनों ग्राफों से बनी हुई रेखाएं, इसकी एक अलग रेखा, इसकी एक अलग रेखा आएगी, तो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस कंडीशन में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है? एक रेखा ऐसे आई, एक रेखा ऐसे आई, ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इस बिंदु के जो मान आएंगे एक्स वाई के, वही क्या होंगे? समीकरण के हल होंगे। आपने रेखा खींच के ऐसे रेखा बना दी समीकरण एक के लिए, समीकरण दो के लिए, दोनों समीकरणें जिस बिंदु पे काट रही हैं उस बिंदु के मान x और y के फॉर्म में आएंगे। y एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे y प्राप्त होगा, इस एक्सिस पे x प्राप्त होगा, यहाँ पे ये इसके समीकरण के हल होंगे इस केस में। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यदि a1 बटे b2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर है तो रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी बच्चों? संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, ठीक है? दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, इस स्थिति में ये प्रत्येक बिंदु पे काटेंगी। इन पे बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पे टच हो रही हैं, हर जगह टच हो रही हैं, बहुत सारे बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। और ये केवल एक ही बिंदु पे कट करती है ये वाली रेखाएं, इसलिए इसके केवल एक ही हल होता है, ठीक है? अच्छा, तीसरी स्थिति में देखिए। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएंगी, ठीक है? ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। तो क्या समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद करती हैं? समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए जब ये प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो इनका कोई हल भी प्राप्त नहीं होगा और ऐसे समीकरणों को बोलते हैं असंगत युग्म समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? असंगत युग्म। और इन दोनों स्थितियों में दोनों समीकरणें, दोनों रेखाएं अपने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसलिए इनको बोलेंगे दोनों को संगत युग्म समीकरण। समझ आया आपको? समझ आ गया ना? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इन समीकरणों के युग्मों के बारे में और ग्राफीय विधि के द्वारा इनके हल करने के बारे में। सभी प्रकार के हल ज्ञात कर लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि या विधियां, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, ठीक है? देखिए, मैं एक चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे। एक होती है आलेखीय विधि, जिसमें आप समीकरणों का ग्राफ बनाकर हल करते हो। दूसरी होती है बीजगणितीय विधि, जिसमें आप संख्याओं को गुणा भाग कर सूत्र लगाकर हल करते हो, ठीक है? आलेखीय विधि तो अकेली ही विधि है। बीजगणितीय विधि के चार टाइप हैं, तीन टाइप है सॉरी। एक होता है
विलोपन विधि। इसमें समीकरण के गुणांकों को बराबर करके और उनको कैंसिल करके, विलोप करके, हटाकर हल किया जाता है। दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। इसमें समीकरणों में दो समीकरणें आपके पास होती हैं, रैखिक समीकरणें, किसी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात कर लेते हैं और दूसरी समीकरण में रख लेते हैं तो हल प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी होती है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों, तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियाँ हैं वो ये। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से मिल सकता है, आलेखीय विधि से सरल करने के लिए बोले या कोई भी बीजगणित विधि में से इस मेथड से सर, किसी भी एक मेथड से सरल करने के लिए बोले। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सभी विधियों पर बारी बारी से एक एक पे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको इन विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ और फिर एक्सरसाइज में हम उन पर चर्चा करेंगे। आलेखीय विधि की बात करें तो आपको जो दो रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा ये दो समीकरणें होंगी। मैं आलेखीय विधि समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस समीकरण से, समीकरण एक से x का मान निकाल लेना। आप कैसे निकलेगा, देखो a1x बराबर, इनको पक्षांतर कर दो उधर, माइनस b1y माइनस c1, या x बराबर हो जाएगा, इसमें a1 का भाग कर देंगे, ऐसे x का मान आएगा। a1 b1 c1 ये तो संख्याएं होंगी, दिया गया होगा। y का मान आप अपनी तरफ से रखना, एक रख दिया तो x का मान आ गया, y का मान 0 रख दिया तो x का मान आ गया, 2 रख दिया तो x का मान आ गया। इस तरह से x और y के मानों के बीच में, संगत मानों के बीच में एक टेबल प्राप्त हो जाएगी आपको। इधर x के मान, इधर y के मान लिख लेना। समीकरण एक से आया ये। अब आप समीकरण दो से भी सेम पार्ट रिवाइज करना, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो तो x बराबर आएगा माइनस b1y माइनस c2 बटे a2 b2 c2। इन सब के मान आपको दिए गए होंगे तो y का मान रखकर, जैसे इसमें आपने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, जो चाहें आप, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, y के मान रखते जाइए, सरल करो, x के मान आते जाएंगे। इसके संगत भी आपको x और y के लिए एक सारणी टेबल प्राप्त हो जाएगी। होगी सारणी टेबल प्राप्त, ये xy के दो मान हो गए। अब आपको ग्राफ बनाना है, इधर x एक्सिस लेना, इधर y एक्सिस, जो मान आए हैं उनके आधार पे आप पैमाना सेट कर लेना। पैमाना सेट कर लिया आपने, ये पैमाना सेट कर लिया, ठीक है। अब इस समीकरण में जो जो बिंदु है इस टेबल में x और y, वो वाले बिंदु बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए, ऐसे बिंदु बनाया, इन बिंदुओं को मिलाएंगे, समीकरण प्राप्त हो गई इसकी। इसको जो बिंदु है मान लो वो ऐसे ऐसे आ गए, इन बिंदुओं को मिलाया, खींचा, समीकरण प्राप्त हो गई, ऐसे ग्राफ बन गया। ये दोनों रेखाएं जहां काट रही हैं वहां से सीधा लंब x एक्सिस पे और लंब y एक्सिस पे डाल के देख लेते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। x और y एक्सिस पे हम लंब डाल के देखेंगे, यहां पे जो मान आएगा वो x होगा, यहां पे जो मान आएगा वो y होगा, तो समीकरण के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे x, y के रूप में। ये x और ये y ही समीकरण के हल होंगे। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये वाली समीकरण जो है इस पे समीकरण का नाम लिख देना, जैसे ये पहली समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर 0, ये दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0, c2 बराबर 0, ऐसे तिरछा लिख देना। तो ये ग्राफी विधि मैंने आपको समझा दिया है, एक मेथड बताया है। क्वेश्चन करेंगे जब आपको समीकरण दी गई होगी उस हिसाब से, ठीक है। फिलहाल आलेखीय विधि कम्प्लीट हो गया, इसको मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि में समीकरण के गुणांकों को बराबर करेंगे, एक गुणांक बराबर कर लेंगे, जैसे कि ये समीकरण आपको लिखी हुई है, इधर इसका गुणांक है a1, इसका गुणांक b1 है, इसका c1 है, इसका गुणांक a2 है, इसका गुणांक b2, इसका गुणांक c2 है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा गुणा भाग करेंगे इस समीकरण को कि इसका गुणांक जैसे a2 है तो वो इसके बराबर हो जाए। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण तो ऐसे ही है, इसके x गुणांक को बराबर करके मैं गुणा भाग करके ना इसको a1 कर देता हूँ प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये भी कुछ अलग हो जाएगा, ये भी कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, इनका विलोप कर दिया, ये a1x, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, तो आपके पास इस तरह से समीकरण y के रूप में बच जाएगी। क्या बच जाएगी? y के रूप में समीकरण बचेगी b1y
माइनस बी टू डैश वाई ओके प्लस सी वन माइनस सी टू डैश बराबर ज़ीरो, वाई को कॉमन कर लो, बी वन माइनस बी टू डैश बराबर ये उधर चला जाएगा सी टू, सी टू डैश माइनस सी वन, तो वाई बराबर होगा सी टू डैश, वाई बराबर प्राप्त हुआ सी टू डैश माइनस सी वन बटे बी वन माइनस बी टू डैश। ठीक है, ये सारे मान ना संख्याएं हैं, ये बी वन सी वन बी वन बी टू ये सब संख्याएं हैं, तो संख्या के रूप में y प्राप्त हो जाएगा। फिर y का मान आपने प्राप्त कर लिया, y का मान इस समीकरण में यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, यहाँ रखोगे तो यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ से x ज्ञात कर सकते हो पक्षांतर करके। समझ में आया, ये विलोपन विधि है। चलो नहीं समझ में आया मेथड याद रखो बस फिलहाल, तो ये विलोपन विधि भी कम्प्लीट। प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ऐसे समीकरण है। तो समीकरण ये एक है मान लो, ये समीकरण दो है, आप समीकरण एक से x का मान निकाल लो, किसका x का, जैसे ग्राफ में करते थे ना, ग्राफ में x का मान निकाला था मैंने, x बराबर हो जाएगा माइनस बी वन वाई माइनस सी वन बटे ए वन, ये x का मान आ गया भाई, यह समीकरण तीन होगा। समीकरण तीन का मान अब इसमें रख दो आप, इससे मान निकाला है तो समीकरण तीन में समीकरण एक का मान रखने पर एक का मान रख देंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा a2 गुना माइनस का b1y माइनस का c1 बटे a1 प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो, ये सब संख्या आ जाएगी। ये पूरी समीकरण देखो केवल एक ही चर है इसमें y y, और एक चर तो एक समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है, तो यहाँ से आपको y प्राप्त हो जाएगा। फिर y का मान जो आएगा वो यहाँ रख लेना समीकरण तीन में, जो आपने प्रतिस्थापन करके निकाला है वहाँ से आपको x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि हो गई है। अब बची आपकी वज्रगुणन विधि। इस विधि में जैसे आपको यही समीकरण दिए गए हैं, ये व्यापक रूप में ऐसे युग्म के रूप में समीकरण आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पे लिखना x, फिर बराबर लगाना, फिर y, फिर बराबर, फिर एक लिखना, ऐसे लिख लेना आप x बटे बराबर y बटे बराबर एक बटे। ठीक है, अब इनके गुणांकों को लिखना है आपको, x के गुणांक लिखेंगे तो x वाली संख्या को तो दबा लो, और y का गुणांक पहले ये वाला इधर आएगा b1, फिर आएगा इधर इसका गुणांक b2, फिर इधर इसका गुणांक c1, इधर इसका गुणांक c2, इनको चिन्हों के समेत लिखना। अगर ये माइनस का है c1 तो माइनस का ही लिखना, c2 माइनस का है तो माइनस का लिखना, b1 माइनस का है तो माइनस का, मतलब चिन्ह समेत लिखने हैं आपको। ठीक है, हो गया जी। अब हम y2 y वाले पदों को लिखेंगे तो y की संख्या को दबा लेंगे, अगली संख्या क्या आ रही है c1 c2, और इसके बाद क्या आएगा इधर a1 और a2। ठीक है, फिर हम एक के नीचे पदों को लिखेंगे तो अचर वाले पदों को दबा लेते हैं, और यहाँ से लिखेंगे a1 a2 b1 b2 इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ सेम होनी चाहिए भाई, ये सेम होना चाहिए। देखो ये c1 c2 यहाँ पर ख़त्म हुआ तो ये c1 c2 से शुरू करना है, ये a1 a2 पे ख़त्म हुआ तो ये a1 a2 से शुरू करना है। ठीक है, एक चक्रीय क्रम में चलते जाएंगे, ऐसे चक्कर के ऐसे चक्कर बना लो आप, ऐसे चक्कर में चलते जाएंगे। अच्छा जी, अब क्या करना होता है, पहले इनको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, इसको इसको इनको ऐसे वज्र गुणा कर लेंगे, विधि का नाम ही वज्र गुणा विधि है, तो वज्र गुणा कर लेंगे x बटे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा b1 c2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे b2 c1 बराबर, इसमें भी ऐसे ही ये दोनों गुणा होंगे c1 a2 माइनस, ये दोनों गुणा हो जाएंगे a1 c2 बराबर एक बटे, ये दोनों गुणा होंगे a1 b2 माइनस, ये दोनों गुणा हो जाएंगे a2 b1। ठीक है, ऐसे हो गया। अब चूंकि ये जो संख्या आएगी ना लास्ट वाली, ये एक वास्तविक संख्या होगी, इसमें कोई चर राशि नहीं है इसमें, तो एक बार तो इसको और इसको बराबर कर लेंगे, ये x का मान निकालना है तो इसको और इसको बराबर करेंगे। ठीक है, और जब y का मान निकालना है तो y वाले पद को इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, देखिए यदि आपने इसको बराबर किया b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर है एक बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे लिख दिया, यहाँ से x का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर कर दो उधर, ये चला जाएगा इधर, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो वैसे बनाया है मैंने, आपको तो करना ऐसे ही है। ठीक है, तो x का मान देखो ये सारी संख्याएं हैं, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ही y का मान निकालेंगे तो ये इसके बराबर,
इसको इसके बराबर रखेंगे, ये पक्षांतर होकर ऊपर चला जाएगा, तो y का मान आएगा इधर, ये संख्या C1A2 माइनस A2C1 बटे A1B2 माइनस B2, ये y का मान हो गया भाई। तो इस तरह से x और y इस समीकरण युग्म के हल हो गए हैं, कौन सी विधि से? वज्र गुणन विधि से। तो बच्चों आपको तीनों विधि समझ में आई बीजगणित विधि में? ओके ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इनके एक्सरसाइज के संबंधित सवालों के बारे में। तो आप ये जो मैंने मेथड समझाए हैं, इन मेथड्स को समझ के बुक में क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।